एग्जॉस्ट भी चेंज है, प्रीवियस वाले का सुनाते हैं। अगर हम लोग न्यू वाले का एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं तो एक बार न्यू वाले का भी एग्जॉस्ट साउंड सुन ही लेते हैं। बहुत कीज में भी चेंज किया गया है, देख पाए ये वाली की कुछ सब की है जो नई वाली है, और इधर जो प्रीवियस ऑलराइट। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैश ऋषभ, और मेरे सामने खड़ी है न्यूली लॉन्च्ड क्लासिक 350 CB 350, और इधर है CB 350 हाइनेस, दोनों है, डीलक्स प्रो दोनों ही है। बट कंपैरिजन क्या है, तो कंपैरिजन बताते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल मीटर डिज़ाइन और फ्रंट से ही बताएं तो चेंजेस हैं, जैसे यहाँ टेलीस्कोपिक है, यहाँ टेलीस्कोपिक नहीं है, अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक कह सकते हो इसका। इस वाले सस्पेंशन का मेरे को आइडिया नहीं, वैसे इसको USD कहते हैं कायदे से अगर बताएं तो। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट की डिज़ाइन भी थोड़ी सी चेंज की गई। अगर हम लोग देखें तो पहले एग्जॉस्ट कुछ इस हिसाब का देखने को मिलता था, अब आपको वो एकदम लॉन्ग स्ट्रोक में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ सीट भी चेंज किए गए, पहले सीट कुछ हिसाब की देखने को मिलती हैं और पहले सीट आपको कुछ हिसाब की देखने को मिलती हैं। ओवरऑल सेम ही लगेंगी बट थोड़ा बहुत तो चेंजेस है कहीं ना कहीं, राइट। इधर का अगर हगर देखें तो चेंज किया गया है, हगर इसका भी चेंज किया गया, काफ़ी लॉन्ग बना दिया गया, काफ़ी बॉटम तक रखा गया इस वाले का हगर। और आगे हम लोग देखें तो और क्या क्या चेंजेस हैं, तो आपको इसी में आपको टैंग्रिप भी देखने को मिल जाती है, पहले आपको टैंग्रिप नहीं देखने को मिलती थी। और थोड़ा बहुत टैंक का डिज़ाइन भी चेंज किया गया, थोड़ा बहुत हाँ। एंड आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ साथ, तो कुछ इस हिसाब का आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। ओवरऑल एग्जॉस्ट भी चेंज है, प्रीवियस वाले का सुनाते हैं। प्रीवियस वाले का अगर हम लोग बोलें तो काफ़ी बेसी है, और अगर हम लोग न्यू वाले का एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं तो एक बार न्यू वाले का भी एग्जॉस्ट साउंड सुन ही लेते हैं। तो न्यू वाले का एग्जॉस्ट अगर हम देखेंगे तो लेस बेसी है, बट यस रेव करने में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, बट बेसी कम है। अगर हम लोग कायदे से नई वाली क्लासिक 350 रिबॉर्न की एग्जॉस्ट साउंड सुने तो ओवरऑल कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो मैच करती है, बाकी कीज आपको कुछ साफ की देखने को मिल जाती हैं, बट थोड़ा बहुत कीज़ में भी चेंज किया गया है। देख पाए ये वाली की कुछ हिसाब की है जो नई वाली है, और इधर जो प्रीवियस वाली है वो कुछ हिसाब की है, कंपैरिजन समझ ही सकते हैं, राइट। एंड बाकी हम लोग देखें तो ओवरऑल सेम ही है, सब चीज़ें रखी गई हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इस हिसाब की कुछ दोनों मोटरसाइकिल हैं। आपको प्रीवियस वाली अच्छी लगती है, न्यू वाली तो थोड़ी क्लासिक 350 जैसी लगेगी, बट न्यू वाली भी और प्रीवियस वाली भी दोनों ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। बट प्रीवियस वाली का एक अलग क्लास था क्योंकि वो एक अलग स्टैंडर्ड पे निकली थी, ये वाली तो क्लासिक 350 जैसी कर दी गई है। आरी फैंस नाराज़ हो जाएंगे तो अगर हम लोग देखें तो आप आरी 350 चूज़ करोगे या आप CB 350 चूज़ करोगे, दोनों में ही आप बता सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ से वीडियो एंड करते हैं, तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो चलिए दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मैंने प्राइस इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, 217 के आसपास दोनों ही पढ़ने को मिल जाएंगी क्योंकि डीलक्स प्रो दोनों ही है। बाकी आपको कैसी लगी मोटरसाइकिल तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, और रोड रैश ऋषभ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।